मीटा स्पोर्ट्स अगेन वॉरियर मनीष यादव, ये दिल्ली से बिलोंग करते हैं और जूनियर कैटेगरी में कम्पीट करते हैं। जिमनास्टिक्स में वेट कैटेगरी ना होकर डिफरेंट एज कैटेगरी होती है, जैसे अंडर 10, 12, 14, 17, 19 एंड सीनियर। मनीष का सपना एक इंटरनेशनल जिमनास्ट बनना है। वेलकम टू डे 77 ऑफ एथलीट्स डूइंग 100 पुशअप्स डेली अंटिल मोदी जी नोटिसेस स्पोर्ट्स अगेन। आज हम ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने का फोर्थ क्राइटेरिया देखेंगे। 2027 वर्ल्ड चैंपियनशिप में ऑल अराउंड 12 मेन और 20 वुमेन क्वालिफाई होने के बाद एपरेटस फाइनल्स में बेस्ट 3 जिमनास्ट डायरेक्ट क्वालिफाई होंगे ओलंपिक्स 2028 के लिए। 18 मेन जिमनास्ट, 12 वुमेन जिमनास्ट। इसका एक्सेप्शन की एक टीम से 3 खिलाड़ी से ज्यादा नहीं सिलेक्ट होंगे, ये भारत के लिए बहुत सकारात्मक है। सपोज कीजिए कोई जिमनास्ट 5वें नंबर पर रहा एपरेटस फाइनल्स में और सिलेक्शन एक एपरेटस से 3 जिमनास्ट का होना है और शुरू के 2 जिमनास्ट ऑलरेडी क्वालिफाई हैं, तो 5वें नंबर का जिमनास्ट क्वालिफाई हो जाएगा। Isn't it great? ऐसी ही इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिले, इसलिए मनीष सभी जिमनास्ट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपनी रियल एज ग्रुप में ही खेले। एज कम करवाकर छोटे ग्रुप में खेलने से रियल एज वालों को कम मौका मिलता है मेडल जीतने का। अगर आपको हमारे ये इनिशिएटिव स्पोर्ट्स अगेन हेल्पफुल लगी तो कमेंट सेक्शन में मोदी जी को टैग करें, ताकि आपने और हमने जो मिलकर स्पोर्ट्स अगेन पॉलिसी ड्राफ्ट करके आज सबमिट करी है, उसका मोदी जी संज्ञान लेकर खिलाड़ियों के पर्सपेक्टिव से 2036 ओलंपिक्स की नींव रख सके। जय हिंद।